हेलो फ्रेंड्स, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार इज नाउ इन्वेस्ट फॉरएवर। तो हमारे चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार से इन्वेस्ट फॉरएवर हमारे चैनल का नाम हो गया है। तो इस नाम से अगर आपको वीडियो मिले तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार से सीधे इन्वेस्ट फॉरएवर। सो आप सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहे, बस हमने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज इन्वेस्ट फॉरएवर इज लुकिंग प्रीटी गुड। बिकॉज इन्वेस्ट हमारा जो हम काम करते हैं वो इन्वेस्ट फॉरएवर है। ओके, उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। सो डोंट बी कंफ्यूज इफ यू गेट द वीडियो फ्रॉम दिस चैनल विद दिस नेम इन्वेस्ट फॉरएवर। सो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, और हमारी ये पहली वीडियो बनने जा रही है इन्वेस्ट फॉरएवर के नाम से। तो ये जो वीडियो बनने जा रही है इसका नाम है अवंती फीड्स, इट इज अ चार्ट ऑफ द वीक एंड अवंती फीड इज द शेयर नेम। तो इसमें एक ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए जिस तरीके से आपने पिछले काफी सालों से बना सॉरी काफी महीनों से बनाते आए हैं। एंड कल की डेट में यहाँ पर वीडियो बनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं Q4 के नंबर एज वेल एज एक शेयर जो सन फार्मा लुपिन सिप्ला से भी अच्छा लगता था, उससे रिलेटेड हमने बातें करी थी, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अवंती फीड्स की। तो यहाँ पर देखें तो देखिए लगभग 1.19% ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 6 रुपए 7 रुपए के आसपास। बट 5 डेज का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो पॉजिटिव नजर आएगा, 140 से सीधा भागता हुआ नजर आया। 1 मंथ की बात करें यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 20% के रिटर्न 1 मंथ के अंदर अंदर ये शेयर दे चुका है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। 6 मंथ की ही बात करें तो यहाँ पर देखिए इसी दायरे में चलता था, इसके बाद एक यहाँ पर गिरावट आई और फिर उसके बाद यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे शेयर जो डेट फ्री हो ओके आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं एज यूजल, जैसे कि हम बातें करते हैं। और इसके देखिए रिजल्ट भी आई थिंक आने वाले हैं बहुत जल्दी। और अवंती फीड्स, जैसे कि फीड्स ही नाम दे रखा है, आप समझ गए होंगे हम किस शेयर से रिलेटेड, मतलब इसमें बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, तो वो भी एक आपके लिए है। एज वेल एज बातें करते हैं यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न और ऑल टाइम का, तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई तो इसका बहुत ऊपर है, अगर बात करें तो 952 के आसपास है। बट इतना लगता है कि ये इस टारगेट को भी बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, जो कि अभी हम चार्ट पैटर्न में देखेंगे। बट यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर इसमें बहुत सारा ज्यादा गिरावट एज वेल एज ये भागता हुआ शेयर नजर आता है। और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखिए एक बार बोनस भी दिया है 2018 में, और स्प्लिट की बात करें तो दो बार यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है 2018 में, और 2015 में यहाँ पर स्प्लिट भी हो चुका है। अगर बात करें ओल्ड वैल्यू यहाँ पर 2 रुपए की थी, जो कि न्यू वैल्यू 1 रुपए से हो चुकी है, और 10 रुपए की यहाँ पर ओल्ड वैल्यू थी जो 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो नया न्यू फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए की यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ पर नजर आती है, जो कि यहाँ देखते हैं। अगर बात करें अवंती फीड्स की तो 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 400 रुपए पे शेयर 27 मई 2020 को चलता था। इसके बाद 52 वीक हाई की बात करें तो 592.96 रुपीज पे, अगर बात करें 27 मई 2021 को ये शेयर आया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है, एज वेल एज यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज 29%, लगभग 1,85,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। और अगर देखते हैं यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर कुछ टाइम में आता हुआ दिखाई दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकआउट। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन कर ली है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली किस बिजनेस में है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉर्च्यून 500 इंडिया लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब 500 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इनका नाम शुमार है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए तो यहाँ इंडिया बेस्ट सीईओ ऑफ 2020, यहाँ पर इन्हें भी ये भी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो काफी सारी यहाँ पर चीजें दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर ये एक्टर है, आपको भी पता है, यहाँ पर ये टीवी एक्टर है, एक्टर दिखाई दे रहा है। 28+ इयर्स ऑफ प्रोग्रेस इन एडुकेट एक्वा फीड्स एंड इट्स इंपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए 28 साल का यहाँ पर एक कंपनी हो चुकी है, उससे ज्यादा 2800 एम्प्लॉय भी है, 16,000 प्लस यहाँ पर फार्मर्स से यहाँ पर नेटवर्क भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो शेयर है ओके ये आने वाली थीम में है, एज वेल एज फार्मर्स की थीम में है, जहाँ पर उन्हें अच्छे खासे PLI स्कीम सब्सिडीज प्लस दी जाती है। और 22+ एक्सपोर्टेड कंट्री, मतलब इनके अब सामान इंडिया में ही नहीं 22+ कंट्री में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ देख लीजिए श्रिम्प फीड्स यूनिट है यहाँ पर, श्रिम्प फीड्स मतलब सी फूड होता है एक तरीके का, वहां पर ये दिया जाता है। अगर 2 श्रिम्प प्रोसेस यूनिट भी है, 500 मिलियन
पीएल यहाँ पर हैचरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, 12,000 मिली टन फार्म्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख लीजिए हैचरी एज वेल एज फार्म्स एज वेल एज फीड्स और फ्रोजन चीज जो यहाँ पर दिखाई देता है, जो यहाँ पर सी फूड्स दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये इन चीजों में ये कंपनी डील करती हुई दिखाई देती है, तो इस कंपनी की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। एज वेल एज मार्केट कैपिटल की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी, ज्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए द कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द श्रिम्प फीड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा ये श्रिम्प प्रोड्यूस करती है, तो इस चीज को आपको देखना है। और विद अ मार्केट शेयर ऑफ 45% इन द डोमेस्टिक फीड्स, तो मार्केट में इनका 45% इन्हीं का ही है, तो इस चीज को देख थोड़ा सा देख के काम करेंगे तो पता चलेगी। डेट की बात करें, कोई भी डेट नहीं है। प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें, 0 प्लेजिंग परसेंटेज, और आरओसीई 36%, मतलब ये चीजें आपको मिल रही है। डेट फ्री कंपनी, नो प्लेजिंग, आरओसी 30, तो ऐसी कंपनी को हमें पोर्टफोलियो में रखना होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, यही कंपनी आगे चल के आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। सेल्स की बात करते हैं क्वार्टरली बेस पर, तो देखिए इंक्रीज ही यहाँ पर दिख रहा था, फिर यहाँ पर देखा यहाँ पर आप कोरोना का रीजन आ गया था यहाँ पर, और फिर दोबारा कंपनी ने यहाँ पर गति पकड़ ली है। अगर बात करें मूवमेंट दोबारा से आ गई है, और मुझे लगता है इस बार दोबारा हाइएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह सब आता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अलग दूसरी कंपनी के जो रिजल्ट हमने चेक किए थे आरसीएफ वगैरह के, तो उनके भी रिजल्ट अच्छे आए थे, तो इनके भी रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और नहीं भी आए तो यहाँ पर एवरेज इसी तरीके का भी रहा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न डेफिनेटली मिलते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज बात करते हैं ईयरली बेस पे, तो देखिए 68 करोड़ रुपए की सेल्स आज की डेट में 4142 रुपए करोड़ की यहाँ पर सेल में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव से प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम। नेट प्रॉफिट की बात करें, वो भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है, तो इस चीज को देखना होगा। एक बार यहाँ पर जरूर आया था बीच में, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें, हाईएस्ट एवर रिजर्व्स हैं यहाँ पर, देखिए सबसे ज्यादा रिजर्व्स 1600 करोड़। अगर बात करें बोरिंग की, देखिए 8 करोड़ की ही बोरिंग है, ना के बराबर ही बोरिंग है, तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें, यहाँ पर 1283 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी यहाँ पर खर्च करती हुई नजर आ रही है, अपने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती हुई नजर आ रही है। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, कैश अच्छा खासा है, जो भी पैसा आता है बुक्स में दिखाई देता है। आरओसीई देखिए कभी भी 29-30 के बराबर ही हमेशा रहा है, इस चीज को भी याद रखना है, जब से कंपनी ने अपने आपको ग्रोइंग करना शुरू कर दिया है, और कंपनी जानती है कि कैसे इन्हें ग्रो करना है, तो ऐसी कंपनी में ही आपको पैसा भी लगाना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 43.69% की होल्डिंग है, जो कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखा रहा है, बल्कि यहाँ पर दिसंबर से मार्च में उन्होंने और थोड़ी सी 0.02% की यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई थी। एफआईज की बात करें, तो एफआईज ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, इस चीज को ध्यान में रखिए। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी ना के बराबर कम करी है, जो कि एफआईज ने उठा ली है। गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर हिस्सेदारी है, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक में देखिए यहाँ पर यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, इनके पास 16% है, और बाकी के 16% इनके पास नजर आती है पब्लिक के पास। तो कम यहाँ पर सारी की सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अच्छा खासा हाथों में दिखाई देता है, तो ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना आपके लिए हमेशा फायदेमंद आता है। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल्स देख लेंगे। देखिए ये जो शेयर चल रहा है, बार बार मैं इसी लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैं अब समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, और दोबारा यहाँ पर ले रहा है, और अभी रिजल्ट का भी मौसम चल रहा है, एज वेल एज रिजल्ट आने भी वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से और भागता हुआ दिखाई देगा। पहले बात कर लेते हैं इसका ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है इसका, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई बना था कब, 2017 में। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इसकी किसकी, यहाँ पर ये अगर पेंडेमिक से पहले ये शेयर 775 रुपीज पे चल रहा था, तो अभी ये शेयर बड़ा नहीं है, इवन इफ यहाँ पर इसके रिजल्ट अच्छे खासे आ गए, बट हम यहाँ पर से देखते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर कब बना था हुआ नजर आ रहा है। ओके, यहाँ से ऊपर निकल गया था, बट यहाँ पर से फिर कोविड की वजह से नीचे आ गया, वरना ये ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर से ये सीधे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है ना, और जब यहाँ पर रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न, वो भी कॉम्प्लेक्स रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में नजर आता है, तो ये चीजें आगे की तरफ निकलती हुई नजर आती है। और इसका टारगेट की अगर हम बात करें, तो इसका यहाँ पर टारगेट फिर उसी तरीके से निकल के आता है जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं। तो देखिये यहाँ पर से हम ये जो 123% का यहाँ पर दिखा रहा है, बट यहाँ पर से काफी भाग चुका है,
तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर इसके शेयर अगर बात करें तो कितना परसेंटेज बन के आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 896,900 के आसपास आ रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई भी लगभग 97,980 के आसपास ही है। तो इस चीज को आप देख के काम करेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करें कि इसका रिजल्ट जैसे कि आने वाले हैं, ओके, और उसके दौरान, और जैसे कि हमने अभी जेटी केटी का पकड़ा था, उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न मिले थे, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे खासे रिटर्न हमें फिर मिल सकते हैं। इस चीज को देखिए, देखिए 58% के रिटर्न साफ के साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब एक बार यहाँ पर पहुंचेगा ना, फिर दोबारा एक चार्ट पैटर्न बनेगा यहाँ पर, अगर बात करें फिर कब्बे हैंडल पैटर्न बनता हुआ निकल आएगा, या एक बार यहाँ पर पहुंचा, ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर घूमा ना, तो कब्बे हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, और फिर उसका जो ऑल टाइम हाई है ना, इसे भी टच करेगा। तो इस चीज को देख पे के आप काम करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस शेयर में। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट निकल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर 30-40 रुपए ऊपर जा चुका है ये शेयर, रिजल्ट इसके आमने सामने ही है, मतलब पास में ही है, कभी भी आ सकते हैं, और जैसे ही आया तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। और ये अगर इसका फिर पेंडेमिक से पहले की भी बात करें, तो पेंडेमिक से पहले भी यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न हमें नजर आ रहे हैं, तो पेंडेमिक से पहले की भी बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पर देखिए लगभग 28 से 30% के रिटर्न साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस रिटर्न के लिए भी आप जा सकते हैं, इसके लिए भी जा सकते हैं, और इसके लिए भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कितने रिटर्न चाहते हैं। और बाकी कंपनी की बात करें, देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, आरओसी काफी बेहतरीन है, मार्केट कैप अच्छा है, लीडर है अपनी हर चीज में, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली ये आपको बताया जा रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम की भी अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर चल रहे हैं, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही कुछ पोजीशन लीजिएगा, और किसी के कहने पर आपको पोजीशन लेनी, यहाँ पर ये केवल सिखाया जाता है, सिखाने के पर्पज से ही ये वीडियो बनाई जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर, जो कि बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार से सीधे इन्वेस्ट फॉर एवर हमने चेंज किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने प्यार देते रहिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।